माय डियर कैंडिडेट, पूरे देश में हलचल रही कल, और एक गवर्नमेंट मेकिंग में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का इफेक्ट हर जगह आता है, जॉब में सीधे आता है, और आज मुझे खुशी भी इस बात की हुई कि कम से कम एक टॉपिक था जिसमें न्यूज़पेपर में, चीज़ों में भी दिखाई दिया, जो हमसे रिलेटेड था, हम लोगों से रिलेटेड था, अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी। कम से कम उससे कुछ चीज़ें ऐसी आईं कि यूथ अनरेस्ट है यूपी का, यूथ के साथ दिक्कत हो रही है, और उसके पास में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो दिक्कतें हैं, जो उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, वो उसने अपने अलग अलग तरीके से जाहिर किया। अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच की जो लड़ाई है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे हम लोगों के लिए, लोगों की कम नेताओं के लिए बड़ी चीज़ बनती नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हर घर में जैसे पानी ज़रूरी है, हर घर में बिजली ज़रूरी है, हर घर में बेसिक मूलभूत आवश्यकताएँ खाने पीने की जो ज़रूरी है जिससे घर परिवार चलता है, वैसे एक जॉब भी ज़रूरी है। इस दर्द को रोज़ हम लोग बहुत लोगों से देखते हैं, अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग तरीके से देखते हैं, हर कैंडिडेट कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करके बहुत लोगों से मुलाकात होती है। आज आप देखेंगे सारे कंसल्टेंट जितने भी हैं, उनकी सोच ये रहती है कि कैंडिडेट जो आ रहा है उस कैंडिडेट में जहां वैकेंसी चल रही है उसको लगा दो और उससे इतने परसेंट मिल जाएगा। अब इस ये जब ये सब लोग करेंगे तो जो बेसिकली जो सभी कैटेगरीज़ के लोग हैं उन्हें बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है जिससे वो जॉब के लिए जा पाएँ। जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी लगातार ये कोशिश कर रही है, कोरोना के बाद से ज़्यादा खासतौर से, कर तो पहले से भी रहे हैं। कैंडिडेट निकल करके पार्टिसिपेट करे, वो किसी भी एजुकेशन फील्ड का हो, कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बट उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ उसके होने के चांसेस हों। मैं आज आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट को हम सबको इस बात को पहुँचाना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। आप एक बात सोच के देखिए, लोग सोच भी नहीं पाते हैं। माँ बाप आज एजुकेशन की बात करते हैं, आज एक एजुकेशन की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, स्किलिंग की बात आती है, बट इंश्योर जॉब की बात नहीं आती है। हर माँ बाप के लिए आज बहुत बड़ी समस्या एक आया है, हर बच्चा परिवार में, घर में जो लोग कमा रहे हैं उनकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में उतनी नहीं मिल पाती है जितनी चाहिए, घंटे कभी ज़्यादा हैं कभी कम हैं, कहीं बहुत अच्छी जॉब है कहीं प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। ऐसी में वो सारे परिवार मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जिनके ऊपर है, उन सबको कैसे इंश्योर किया जा सके कि एक अच्छी जॉब आ सके, और अच्छी जॉब आने के लिए उनके अंदर कौन से चेंजेस ला सके। अभी तक तो वो बात केवल एजुकेशन में होती थी कि चलो एजुकेटेड हो जाओ तो तुम्हारे पास जॉब आ जाएगी, आज ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि एजुकेशन के बाद जॉब नहीं है। अब इसके लिए कोई एक्स गवर्नमेंट वाई गवर्नमेंट जेड गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी इसके लिए भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सालों की कहानी है कि किसी पे क्या करें, वहाँ तो बातें केवल हो सकती हैं। लेकिन आप अगर इस प्रॉब्लम को समझिए कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक अच्छा पैकेज और प्राइवेट सेक्टर का इन्वायरमेंट जिससे उनको इनकरेजमेंट मिले, वो जब तक नहीं होगा तब तक वो समस्याएं नहीं बदलेंगी। और कम से कम कुछ बात पहुंची है कि हाँ बेरोजगारी की बात पे थोड़ी चर्चा चालू हुई है। जब ये हो रही थी कि हाँ यूथ जो है बहुत परेशान हुआ है, सारी पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हमें ऐसा लगता है कि यूथ और मैन्युफैक्चरिंग हब जब तक हमारे देश में खूब हर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होंगे, हर घर में खुशहाली नहीं आएगी। अच्छा आने के लिए करने बड़े काम नहीं है, छोटे काम करने। जैसे आज एक एग्जांपल आया, मेरे पास एक कैंडिडेट 2019-20 में रजिस्टर्ड हुआ होगा, फीस 2-3 इंटरव्यू दिए होंगे, शायद कोरोना के पहले की बात है या बाद की बात है, तो उसकी ज्वाइनिंग 2-4 जगह इंटरव्यू होंगे, तो उसको वो कंपनी अच्छी नहीं लगी थी, छोटी कंपनी थी, लग रहा था कि नॉर्मल कंपनी थी, कहाँ ज्वाइन करें ऐसे करके लगा। तो 3-4 इंटरव्यू देने के बाद उसने ज्वाइन नहीं किया। इसके पहले एक साल का उसको एक्सपीरियंस सुपरवाइजर का जनरल था बाहर का, ज्वाइन नहीं किया।
अभी अचानक से 4 साल बाद में कैंडिडेट आया, तो मैंने कहा कि तुम 4 साल बाद आ रहे हो, ये तो बड़ा गलत है। 3-4 इंटरव्यू कराए गए, कोई फीडबैक भी नहीं। बीच में फ़ोन करके तुम्हें 2 इंटरव्यू के लिए भी हम लोग बुला रहे हैं कि ज्वाइनिंग कर लो, तुम्हारे पास भी कंपनी है तो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो उसने अपनी बहुत सारी समस्याएं बताई कि सर हमारे यहाँ फिनेंशियल दिक्कत इतनी है कि हम उसमें अच्छी कंपनी ढूंढना जाने में नहीं, हम एकदम से बाहर चले गए और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में 12-14 हज़ार की जॉब करने लगे। तो हमने कहा तुमने फिर उससे कमा करके कितना घर में दिया? तो उसने बोला सर हमने बहुत मिनिमम खर्च किया और सारा घर को दिया। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कम से कम उसने अपने घर की परिस्थिति में होते हुए तुरंत जॉब के लिए वो गया और उसने घर पे कमा करके वापस किया। बोला सर हम जॉब के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एक काम किया, तो उन्होंने कहा तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हारे पास कितने दिन हैं? तो उसने मेरे पास कल हमें जाना है, अगर 2 दिन में हमारे लिए हो जाएगा। हमने कहा चलो आज तुम्हारे पास 5 ऑप्शन हम तुमको देंगे, अपनी शर्तें हटा दो, तुम जितना पैकेज कमा रहे हो उसी के बराबर में तुम्हारा वहाँ रहने खाने का खर्चा भी हो रहा है, उसी के बराबर में आज तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। आज ऐसे कम से कम 7 कैंडिडेट के साथ में हम लोगों ने काम किया होगा, ऐसे 7 कैंडिडेट्स को कि तुम्हें आज ही चाहिए, तुम्हारे घर की क्राइसिस है, दिक्कत है, परेशानी है, तुम बड़ी बात नहीं करो बट अपनी शर्तें हटा दो, हमें ये चाहिए वो चाहिए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पहली कंपनी में पहली में ही उसको कल से ट्रायल के लिए बुला लिया गया। माय डियर कैंडिडेट, मुझे लग रहा था कि ये बंदा NCR रीजन गया, उसे उसको जॉब मिल गया, क्या कानपुर और हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि उस बंदे को आज की जॉब अगर दिलानी है तो हम आज उसको दिला सकें? मुझे बहुत खुशी हुई आज उसको जबकि मैंने ऑप्शन 3 दिए थे उसको कि तुम 3 ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कि ऑप्शन में हो गया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। और उसको जो लग रहा था कि हाँ, उसको लग रहा कि सर हम बिना अर्निंग के नहीं रह सकते हैं, इतना हमें चाहिए ही चाहिए। और उसके सामने ही उन कंपनी में फ़ोन किया कि हाँ आप हमें भी ये करना है, ये लड़के बाहर जा करके कॉन्ट्रैक्टर में उतनी जॉब कर रहे हैं, कानपुर में क्या जॉब कितनी कमी, ट्रायल करके देखा कि उसी दिन आए, उसी दिन उनको किया और उसी दिन उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई और उसके घर में जो दबाव था आर्थिक का वो कम हुआ। माय डियर कैंडिडेट, ज़रूरत तो इस तरीके की अप्रोच की वास्तव में है। कैंडिडेट बाहर नहीं जाएं, कैंडिडेट अपने घर के पास रहें, बाहर रहने आने का जो खर्चा है वो बराबर, कुछ घर में उनका पैसा वापस नहीं पहुंचा पाता है, कैसे ये हो, इस तरीके की ज़रूरत है क्विक रिस्पॉन्स क्विक चीज़ों की। हाँ, लेकिन इसके लिए एक बात और समझिए, ये वन साइडेड नहीं है, इसमें कैंडिडेट को भी समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारा क्राइसिस है, तुम्हारी ज्वाइनिंग चाहिए तुमको, तुम परेशान हो, तो पहले तुम जो कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें एक ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए और उस ज्वाइनिंग को तुम कर लो, इफ एंड बट नहीं लगाओगे। अब कैंडिडेट के साथ हमें भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है क्योंकि ये वन साइडेड नहीं है, हम आपको दें लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगे, आपको दूर लगे, पास नहीं लगे, आपको अर्निंग चाहिए और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको जो मिल रहा है उसको आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो निश्चित सी बात है कि आपका जॉब कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर आप बहुत दिनों तक जॉब से दूर रहते हैं तो आप एक बात ये भी समझिएगा, जॉब अच्छा लगता भी नहीं है क्योंकि उसमें हाँ हजूरी भी करनी होती है, यस भी करना होता है, चिल्ला भी कोई रहा हो तो सुनना भी पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बिहेवियरल चीज़ें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं वो भी मैनेज करनी पड़ती हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, जॉब ऑन ड्राइव संस्कार सोसाइटी में आज से हम लोगों ने ये कोशिश चालू कर दी है कि गवर्नमेंट के पास बात पहुंची बट एक नई कोशिश चालू करी कि तुम अगर यहां से हो और तुम फिजिकली आ रहे हो तो उसी दिन तुम पहले ज्वाइनिंग की बात करो, शर्तें हटाओ। अब एक मैरिट बंदा था इलेक्ट्रिकल का, उसने बोला सर हमारी यहाँ ज्वाइनिंग आप करा दीजिए, हम 3 कंपनी हमने उसको भी 4 दिए और एक ज्वाइनिंग हो गई और वो रेडी हुआ था बिना शर्तों के। क्योंकि आप ये समझिए, इस बात की महत्व को समझिए, अर्निंग आती रहेगी तो आपके आगे की समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी। हम एक बेस्ट के लिए अर्निंग आना बहुत ज़रूरी है, यही एक कॉम्बिनेशन है, हमें बेस्ट चाहिए पर उसके लिए हमारी अर्निंग्स भी चाहिए और अर्निंग करते हुए हम दूसरी जॉब ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, थ्योरीज होती हैं जिनमें आप अगर एक ज्वाइनिंग करते हुए बहुत जगह जा सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, अर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाता है, इनरिच करता है, उसके बीच में जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है वो और कंपनी में हमारे कॉन्फिडेंस काम करता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, ये जो आज था, आज से जो हम लोगों ने प्रयोग चालू किया कि उसी का उसी दिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत परेशान हैं बट उनकी शर्तें हटी होंगी, वो भी पार्टिसिपेटिव होंगे, वो सिंश्योर कर रहे होंगे कि आज हम ज्वाइनिंग कर ही लेंगे, उनके लिए आज से एक नया तरीका अपनाया गया है, इमीडिएट ज्वाइनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ योर क्राइसिस और आपके आधार पे उसकी इमीडिएट ज्वाइनिंग आए, कंडीशन उसमें भी है। इमीडिएट ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं जुगाड़ से हमने फ़ोन किया और ज्वाइनिंग हो गई, इसमें आपके पास 4-5 ऑप्शन में एक ज्वाइनिंग करना आपके लिए कंपलसरी है, अगर आप वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपको फिर ज्वाइनिंग्स और नहीं दी जाएंगी। इसको चैरिटी हाउस
ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा कि आप हमारा एक्सप्लाइटेशन चालू करें, कोई किसी का एक्सप्लाइटेशन नहीं चालू करे। एक मुझे और खुशी हुई, एक कंपनी में कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, उसका प्रोजेक्ट वहाँ पे उनका कुछ फेलियर हो गया, सैलरी उसको डिले की गई। मुझे खुशी हुई संस्कार सोसाइटी ने आज ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनको कहा बोला और उन्होंने तुरंत इंश्योर किया कि उसकी सैलरी उसके हाथ में आई जाएगी, आप चिंता मत करिए सर, हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है प्रोजेक्ट का। मैंने उनसे बोला प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन ऐसी रखिए कि कैंडिडेट सफरर नहीं हो। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कार सोसाइटी केवल एक कदम और आगे बढ़ के किसी के साथ हो रहे गलत चीज़ों का भी सीधे बहुत जोरदारी के साथ में कंपनीज में दबाव बनाने के लिए कैपेबल हो गई है और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ भी किया। कई ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें कई बार ज्वाइनिंग नहीं आ रही, बट कैंडिडेट अगर आज एक और खुशी की बात हुई कि आज 55 के पैकेज के एचआर में जो एक यूरो में आई थी रिक्वायरमेंट, आज कैंडिडेट को कहा गया कि आप आइए सामने देखिए, इमीडिएट बात करी गई, इमीडिएट गाइड किया गया कि कैसा प्रोफाइल होना चाहिए, क्या चीज़ इसमें चाहिए उनको, क्या आपको आती हैं और क्या नहीं आती हैं, अब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी 55 के पैकेज में लेके आएगा। माय डियर कैंडिडेट, ये जो अप्रोच होती है मुझे लगता है गवर्नमेंट में जब चुनी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट और सैलरी पैकेजेस और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स और कभी कभी कुछ कंपनीज़ की ऐसी हैं जब उनका ब्लड ग्रुप हम लोग जान जाते हैं तो कैंडिडेट को बताते हैं आपको वहाँ कैसे करना है, उनको फैसिलिटीज़ जिस तरीके से नहीं मिलती, अगर ये मिले तो जॉब की भी दिक्कतें जो है वो कम हों। तो आज इसीलिए संडे को अब मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपनी बातचीत पे होगा, जिसमें आपको करना है कि आज ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है और इसके लिए जब तक हर घर में एक कमाने वाला व्यक्ति रोज ऐसा नहीं होगा जिसकी निश्चित आय आ रही होगी, डेफिनेट आय आ रही होगी, घर में सुख शांति नहीं आ पाएगी, घर में अनइजीनेस नहीं होगा, अनइजीनेस होगा, इजीनेस नहीं होगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप सबको अब इस तरीके के जो वीडियोस मैं डालूंगा संडे को, उसमें आपको पसंद करना है, लोगों में बात पहुंचानी है कि अब सब लोग इस बात पर ध्यान दें, आज नहीं कल कि इस बात पर ध्यान दें, सबसे बड़ी ज़रूरत अगर कोई है तो वो एक जॉब की ज़रूरत है, एक आय की ज़रूरत है, एक निश्चित आय आनी चाहिए जिससे वो घर के अपने बेसिक खर्चे चला पाए। आज इस बात से सबका ध्यान हटा हुआ है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ जॉब देना, एक जिले में जितने घर हैं, परिवार हैं, जहां माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको एक जॉब तो मिले कम से कम सही तरीके की, और जिनके पास में सीनियर है, प्रमोशन अपग्रेडेशन नहीं आ पाए, उनके लिए भी कुछ होमवर्क हो। इस तरीके की आवाज़ जब उठेगी, धीमे से आवाज़ सब जगह जाएगी, ये बात पहुँचेगी। और इसमें केवल ये नहीं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो ही वाली बात हो, सरकारी के लिए जो डिजर्व करते हैं, जो प्रोसीजर वो अच्छा है, पर अर्निंग आना चालू हो जाए कम टाइम में। जैसे मैंने उदाहरण एक दिया आपको, उसको ज़रूरत थी, वो घर नहीं चल सकता था, आज ही होमवर्क किया गया, आज ही ज्वाइनिंग आ गई, कोई बड़े काम नहीं, छोटे काम करने हैं, वो हम सब लोग मिल करके भी कर सकते हैं। पर इसमें एक ये भी है कि कैंडिडेट भी बहुत स्टाइल ना मारे। मैं आ जाता हूँ, आज चूँकि चुनाव का माहौल था, बातचीत हुई, मुझे एक बात जब बार बार एनालिसिस में दिखाई दिया कि आज कम से कम एम्प्लॉयमेंट, यूथ की बात कुछ करी गई। अब इस देश का यूथ जब अपने जॉब की बात को लेकर के सबसे आगे बढ़ेगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और जब सबसे बड़ी बात करेगा कि हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई जा रही है, हमारे कोर्सेज में फीस जा रही है, हमारे घर के खर्चे ऐसे हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए एक जॉब के लिए हमारी पॉलिसीज मेकिंग में जॉब इमीडिएट मिलनी चाहिए जिससे अर्निंग चालू हो, जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है, और एक अच्छी जॉब मिलना चालू हो जिस कैटेगरी में आपकी पढ़ाई है, जिस कैटेगरी से आप निकल करके आए हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं, उसमें कम से कम 100% नहीं हो तो कम से कम 60% तक का जॉब हो, ऐसा माहौल बनाना, ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना के लिए बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे काम करने हैं। इसमें ध्यान हम सब लोगों को मिल करके यूथ को आकर्षित करना पड़ेगा, और वो सब जब करेंगे तो समझ में आएगा लोगों को कि हाँ, इस यूथ के पास पावर है, यूथ को जॉब चाहिए, जॉब सबसे बड़ी ज़रूरत है, और वो अगर आएगा तो खुशहाली आएगी, घर, समाज, परिवार, देश सब बदलेगा। यहाँ से बातें पता नहीं क्यों लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं और ये चलता चला रहा है। गरीबी की बात हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, आप कर देते हैं, लेकिन जॉब की बात भी होनी चाहिए, और जॉब की बात भी जब जितनी ज़्यादा होगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आता हूँ आज की कंपनीज़ में, और आज अच्छी बात ये हुई, कई इंटरव्यूज़ भी हुए, कई इंटरव्यू सर आप बता रहे थे कौन कौन से, हाँ, इंजेक्टो प्लास में लोहिया में आज इंटरव्यू, और थ्रेट्स इंडिया में भी इंटरव्यू लोहिया के हुए थे। कुछ हाईलाइट आपको बताने में मुझे इसलिए खुशी भी मिलती है कि आपको थोड़ा सा अपडेट भी मिलते रहे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अपडेट हैं, कुछ कैंडिडेट गए,
हाँ मोहनी में भी आज एक ज्वाइनिंग हुई है, चल रहे हैं, जबकि लगातार इंटरव्यूज चल रहे हैं, रोज का वो हिस्सा है। आप देखते हैं कि ये जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी ने, आप देख रहे हैं लगातार थोड़ी सी अलग अप्रोच से काम किया है। ये जॉब कंसल्टेंट की जो अप्रोच है उसके हिसाब से काम नहीं किया है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में, वीके पैकवेल में मैकेनिकल मैनेजर की रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है, जिसमें ज्वाइनिंग हो सकती है। मैंने अभी यूरो फुटवेयर की बात बताई थी, फैक्ट्री एचआर मैनेजर 6 लाख से 8 लाख का पैकेज है। इसमें सैलरी मेकिंग, टाइम कीपिंग, ग्रीवेंसेस, लेबर एक्ट, इन सब के कैंडिडेट 55 के ऊपर के पैकेज के हो सकते हैं। कानपुर प्लास्टिक में भाई बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, आपके रेफरेंसेस में जो एक्सपीरियंस है, सीए हों या कम साल के मैन्युफैक्चरिंग में करे हुए सीए हों, लोगों में शेयर करिए, जितने लोग भी सुन रहे हैं इसको, कि सीए को पकड़ के ले आइए इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए। आज शेयर किए गए हैं बट कम, चूँकि सीए का ऐसे पैकेज 8 से 10 लाख का है, 3-4 साल के भी सीए हों मैन्युफैक्चरिंग के तो भी अच्छा है। AK इंडस्ट्रीज़ में जूनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 15K तक का पैकेज है। आदर्श इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव मल्टीपल वर्क एक्सिक्यूटिव, देखिए इसमें दो रिक्वायरमेंट है, ये इसमें एक स्टोर के लिए उनको बंदा चाहिए, मैनुअल बंदा चाहिए, बहुत वैसा हाई फाई बंदा नहीं चाहिए जो स्टोर को देख ले, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो चलेगा, उन्होंने ऐसे बोला, बहुत हाई फाई ना हो, कंप्यूटर नहीं आता हो चलेगा। दूसरा मल्टीपल वर्क के लिए, जिसको मूवमेंट बाइक हो तो हो, इमीडिएट उसी दिन ज्वाइनिंग उसकी हो जाएगी जो लोग चाहते हों। JM फार्मा में मैरिड फीमेल के लिए आया, ये ध्यान दें मैरिड फीमेल, जो बेसिकली हफीम कोटे के पास की ज्वाइनिंग है ये, जिसमें जिनको MS ऑफिस आता हो, मैरिड हों, उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए, हफीम कोटे के पास की मैरिड कैंडिडेट हैं, इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। लोहिया कॉर्प में हेड IT इंफ्रास्ट्रक्चर AGM 18 लाख से 30 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवल्स में मेल फीमेल MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS Excel का अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। हैवल्स वेयर हाउस में हरिद्वार, दिल्ली NCR, देहरादून के लिए वेयर हाउस मैनेजर 60K तक के पैकेज का रिक्वायरमेंट है। लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री कैंडिडेट चाहिए, जो बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट ऑटो में मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, स्टोर हेड, PA2 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, 15 लाख तक का पैकेज है। इंजेक्टो प्लास में परचेज ऑफिसर हैविंग अ नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल 35K तक का पैकेज है। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट लाजपत नगर के पास के हैं, वो कैंडिडेट काम कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में MIS एक्सिक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS Excel का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। विनायका केमिकल्स में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। सुभाष मसाले में बैक ऑफिस टेलीकॉलर फीमेल कैंडिडेट्स मस्ट हैव नॉलेज जिनके पास में वो टेली वगैरह इनको आता हो। बोनाफाइड केमिकल्स में मेल फीमेल टेलीकॉलर्स बैक ऑफिस एक्सिक्यूटिव विद गुड नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। बारीवार प्लास्टिक में सीनियर अकाउंटेंट 30 का पैकेज है। GP इंजीनियरिंग में सोलर मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव फिटर फॉर वर्कशॉप डिप्लोमा इंजीनियर विद नॉलेज ऑफ सॉलिड वर्क एंड ऑटोकैड। लिंक प्रॉपर्टीज स्मार्ट बैक ऑफिस एक्सिक्यूटिव रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। CA कल्याणपुर के हैं, उनको रिक्वायरमेंट अकाउंटेंट की है, फीमेल्स मेल जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी मार्केटिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर फॉर असेंबली इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाई कास्टिंग के लिए अर्जेंट चाहिए। पार्ले KPS एंटरप्राइज में फीमेल टैली बिलिंग ऑपरेटर सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में एक्सपीरियंस जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। UJ बिजनेस में CRM हु कैन हैंडल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट हैविंग फ्लुएंट इंग्लिश एंड कंप्यूटर का जरूर ओरिएंटेशन चाहिए। नागरथ एल्युमिनियम में फ्रेशर एक्सपीरियंस डिप्लोमा BTEC BE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बंदों की इलेक्ट्रिशियन की अलग रिक्वायरमेंट है। गुरुग्राम कानपुर के लिए प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन मैनेजर फिटर का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर फ्रॉम इलास्टिक इंडस्ट्रीज ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में परचेज असिस्टेंट ट्रिम एंड एसेसरीज फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी गारमेंट में HL एग्रो में एक्सपोर्ट मैनेजर 6 लाख से 8 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में असिस्टेंट क्वालिटी एक्सिक्यूटिव फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री फॉर रूमा लोकेशन के लिए मर्चेंडाइजर गारमेंट इंडस्ट्री के लिए 9 लोकेशन के लिए चाहिए। VK पैकवेल में परचेज मैनेजर ई कॉमर्स मैनेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर 60 पैकेज इलेक्ट्रीशियन परचेज रनर डिस्पैच रनर परचेज एक्जीक्यूटिव टेली सेल्स पर्सनल असिस्टेंट अकाउंटेंट फॉर बिलिंग एंड रनिया के लिए अर्जेंट चाहिए। स्काईटेक स्विचगेयर में मेल फीमेल इलेक्ट्रीशियन डिजाइनर इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ पैनल डिजाइनिंग चाहिए। अशोक मसाले में
प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मशीनिस्ट, सेल्स कैंडिडेट चाहिए। फ्रंटियर स्टील में फिटर वेल्डर हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। MHPL में स्मार्ट फीमेल रिसेप्शनिस्ट हैविंग गुड नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर नॉलेज। डेन नेटवर्क MIS एक्सिक्यूटिव के लिए चाहिए। किर्लोस्कर में सीनियर ऑपरेशन एक्सिक्यूटिव, गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल एंड लीडरशिप क्वालिटी, MIS एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। ब्लिस कैपिटल में मेल बैक ऑफिस एक्सिक्यूटिव हैविंग ए फाइनेंशियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स भी हों। भारतीय अग्रिम में प्रोडक्शन कम क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, CRM का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। मजाक मशीन सीनियर डिजाइन इंजीनियर, PPC मटेरियल प्लानिंग मेंटेनेंस मैनेजर, VMC मशीन प्रोग्रामर, प्रोडक्शन इंजीनियर, डाई फिटर, स्किल्ड ड्राफ्टिंग एंड मिलिंग मैन, स्किल्ड फिल्टर, स्किल्ड पेंटर, ये मेजर रिक्वायरमेंट हैं जो रोटोमैक पंप में है, ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करी है, एक्टिव रहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे जरूर बात करते रहिए, शेयर करते रहिए, बट सोल्यूशन के फॉर्म में हम सबको मिलकर के पहले काम करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व करने वाली है और हम अपनी मशीनरी से इमीडिएट सॉल्व की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट मशीनरी होती हैं वो पॉलिसी मेकिंग होती है, डिलीवरी होती हैं, तब तक आपके घर की क्राइसिस बढ़ जाती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, लोगों में शेयर करिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऑफिस जॉब के लिए यूट्यूब चैनल जॉब हंट ट्राइब को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में बेल आइकॉन को ऑल जरूर करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएँ। सिलेक्शन की वीडियो देखिए, जो रोज रिक्वायरमेंट है उनके देखिए, तीन तरी और MySureJob.com जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, उसको आप गूगल क्रोम में ओपन करके अलाउ करेंगे तो रोज नोटिफिकेशन आएंगे। साथ साथ में फिज़िकल मीटिंग, इंटरव्यूज़ देना, कितने का पैकेज हमारे पास आ रहा है, कितने का रह गया है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, खुशी की बात ये है कि हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट की बात को ज़रूर आगे बढ़ाते रहना है और संडे को एक आपके साथ में इस विषय में ज़रूर एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, शायद बात कहीं पहुँचेगी और हर घर में जो जॉब की खुशी है उसको ये मिशन इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, खास तौर से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता जा रहा है, जिससे हर घर में खुशी कम हो रही है, उसके लिए ज़रूर हम सब मिलकर के प्रयास कर सकते हैं और इस बात को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे समझ में लोगों को आए, सबसे बड़ी बात आज यही है और उसको लेकर के हम चलेंगे और इसके सोल्यूशन बहुत कम टाइम में हो। और इसके लिए जॉब एंड ड्राइव ने अपनी कुछ स्टार्ट करी हैं कोशिशें कि कुछ ऐसे कैप्सूल टिप्स हैं जिनको आज बताओ, रिज्यूम में चेंज करो और आज ही जॉब में जाओ और आप ज्वाइनिंग को लेकर के आओ, बिना किसी शर्तों के अगर आप ज्वाइनिंग चाहते हैं इमीडिएट, क्योंकि अर्निंग समस्या है, उसके लिए सिर्फ एक कैप्सूल जो टिप्स होती हैं कैप्सूल के फॉर्म में, उनको सिर्फ कागजों में उतारना है, बात करके वो साबित करना है और उसी दिन ज्वाइनिंग में आना है। बस उसमें सारे सपने आपके पूरे नहीं हो पाएंगे कि घर के सब कुछ खर्चे भी पूरे हो जाएं, सब सुविधा भी मिल जाए, हो सकता है पहली जॉब के लिए, बट क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी। जॉब ऑन ड्राइव क्राइसिस को इमीडिएट ख़त्म करके आगे बड़े पैकेजेस के लिए, आपके डिजायर्ड प्रोफाइल के लिए, प्रोफाइल मेकिंग के थ्रू कंपनी में एक्सपीरियंस कैंडिडेट से इमीडिएट ट्रायल करा करके ज्वाइनिंग का जो प्रयास है, वो यूनिक मॉडल हर एक के पास पहुँच रहा है, पीछे आप रह नहीं जाइएगा। गर्मियों में जो पीछे रह गए हैं उनकी, वो पीछे ही रह गए हैं, ज्वाइनिंग जिनकी आ रही है उनको कोई रोक नहीं पा रहा है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव MySureJob.com। थैंक यू।